हेलो राइडर्स, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं क्यूबो के पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर की। लेकिन उससे पहले हम वो चीज आपको दिखाएंगे जो डिवाइस हम पहले यूज करा करते थे। तो ये है हमारा विन डेक का टायर इन्फ्लेटर 300 PSI का, जो कि अब हो गया है खराब क्योंकि इसके गियर हो गए हैं वियर आउट। ये मेरे पास 4-5 साल से हैं, इतना कभी यूज हुआ नहीं, लेकिन इसको यूज करने पे इतना पता लगा कि भाई इसकी एक तो नॉइज बहुत ज्यादा है और ये बैटरी कंजप्शन इसकी काफी ज्यादा है। आप इसको बाइक में यूज करते हो तो आपकी बैटरी भी ड्रेन हो जाएगी जल्दी, तो उसके लिए आपको बाइक ऑन करके रखनी पड़ती है। मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है, क्योंकि मैंने 500-600 का अप्रोक्स परचेज किया था लोकल अपना मार्केट से। और इसके साथ दो वायर्स आती हैं, एक आप कार से कनेक्ट कर सकते हैं अंदर चार्जिंग पोर्ट से, और एक आप अगर बैटरी से डायरेक्ट लीड के थ्रू कर सकते हैं। अपना प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन अब ये खराब हो चुका है और अच्छा ही खराब हो गया। तो इसी के बाद हमने इसको ऑर्डर करने का डिसाइड किया। तो आइए चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये है क्यूबो का स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर 150 PSI। इसमें प्रीसेट टायर प्रेशर है, ऑटो कट ऑफ है, इमरजेंसी लाइट है और 200 mAh की बैटरी सपोर्ट करता है। इधर आते हैं तो इसमें शो कर रखा है ये आप किस किस चीज़ में आप इसमें एयर फिल कर सकते हैं, कौन कौन इसमें कार टायर, मोटरसाइकिल, बाइसाइकिल, इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल, बॉल और चीज़ों में आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाएंगे कि 0 to 2 जो इसकी PSI मेंशन होती है कितना टाइम लेती है, कहाँ कितना टाइम टेकन है उसमें, कितने सेकंड या मिनट लगता है, तो इसकी पावर भी पता लग जाएगी आपको कितनी है और कितना टाइम कंज्यूम करने वाली है। आते हैं इसके पैक साइड में, इसमें शो किया हुआ है पोर्टेबल है, LED डिस्प्ले है इसकी, मल्टीपल नोजल्स हैं। प्राइसिंग इसका MRP लिखा है 4,490। पैकेजिंग तो बिल्कुल मोबाइल की तरह है, कोई नया फोन ले रहे हैं। इसमें आपका डिवाइस स्पीकर की तरह लग रहा है। काफी काफी हल्का है, इजी टू कैरी। और क्या है इसके अंदर, इसके अंदर है आपका यूज़र मैनुअल और वारंटी। इसकी वारंटी 6 मंथ्स की आती है। तो ये है इसका नोजल जो यहाँ पे लगता है, मल्टीपल नोजल जो आपका आपको जैसे बॉल होती है फुटबॉल वॉलीबॉल वगैरह में एयर फिल करने के लिए। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। हाँ, जैसे अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं प्रेशर के, KG में, क्यूबिक PSI में, बार में, KPa में, तो उसका है। तो यहाँ पे PSI के अकॉर्डिंग एयर फिल की जाती है। इसके बाद आपको एयर प्रेशर प्लस माइनस कितना आपको उसमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और ये मैनुअल है ऑलरेडी, जैसे कार के लिए इसमें 35 PSI शो कर रहा है, बाइक के लिए 40, साइकिल के लिए 38, बॉल के लिए 8, और इसको ही आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। और ये इसका बैटरी साइन, अभी बैटरी फुल है। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं कितना टाइम टेकिंग है ये और कितना इसका नॉइस है, क्या है सारी चीज़ देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी बाइक से, बाइक का टायर। बाइक काफ़ी दिन से घर में खड़ी है तो टायर ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया है। इसका यू इसको ऑन करते हैं, ये हो गया ऑन। सेट करते हैं बाइक पे। इसके लिए हमें चाहिए 27 PSI, 27, 28 ऐसी।
एक्चुअली क्या है, इसका जो टायर है ख़राब हो चुका है। इसमें काफ़ी बड़ी कील लग गई थी जो कि टायर के अंदर ही रह गई थी, और उसने काफ़ी टायर को डैमेज कर दिया। और ये हमने टाइट कर दिया, इसमें शो कर रहा है 3 PSI, सब ख़त्म हो गया इसमें। इस तरह से टेस्ट करते हैं, इसकी पूरी एयर हम निकाल देते हैं और फिर देखते हैं इसमें कितना टाइम